नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। झारखंड के मतदाताओं ने मोदी और शाह का घमंड चूर चूर कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन जीत के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई है, अब तो ना राम मंदिर के नाम पर जनता बेवकूफ बनेगी और ना ही हिंदू राष्ट्र और ना ही राष्ट्रवाद का झुंझुना बजाकर जनता को गुमराह किया जा सकता है। यहाँ तक कि झारखंड में NRC और CAB मुद्दा भी नहीं चला, लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता ने मोदी को मजा चखाने का मन बना लिया है। भाजपा के खस्ता हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा के मुख्यमंत्री खुद झारखंड में हार गए। BJP अभी तक यही समझ रही थी कि जुमलेबाजी के सहारे और नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे वो चुनाव जीत जाएगी, लेकिन उसके इसी भ्रम ने भाजपा को 50% डाउन पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक साल में भाजपा 272 विधानसभा सीट गवा चुकी है। अभी 2 महीने पहले जहां हरियाणा में गठबंधन सरकार बनाने में मजबूर होना पड़ा, वहीं महाराष्ट्र जैसे ताकतवर राज्य से सत्ता से बाहर होना पड़ा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब और उसके साथ ही दिल्ली और पांडुचेरी भी उनके हाथ में नहीं थे। 2016 में 5 राज्यों में चुनाव हुआ जिसमें वो केवल 1 राज्य में जीते। उसके बाद ये हार का सिलसिला चलता ही चला गया। आपको बता दें, झारखंड में ये हार का असर अगले साल होने वाले बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा। आज का दिन एक संकल्प लेने का है, इस राज्य की जनता का, यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेने का दिन है। और आज का ये जनादेश मुझे लगता है आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के परिश्रम और समर्पण का ये परिणाम है। जिस उद्देश्य के लिए ये राज लिया गया था, आज उन उद्देश्यों को पूरा करने का वक्त आ गया है। निश्चित रूप से आज हम इस राज में महागठबंधन के तहत चुनाव लड़े, जिसमें हमारे साथ शामिल कांग्रेस के लोग, RJD के लोग और JMM ने मिलकर लड़ा। मैं इसके लिए भी आदरणीय गुरुजी को, आदरणीय लालू जी को, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय प्रियंका जी को, कांग्रेस के सभी जो राज पे नजर लगाए हुए थे, जो प्रभारी के रूप में थे, कार्यकर्ता के रूप में थे, सभी दलों के लोगों को भी मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया। और आज राज की जनता ने इस राज को एक स्पष्ट बहुमत दिया है। आज निश्चित रूप से एक नया अध्याय शुरू होगा इस राज के लिए, और इस राज के लिए यह अध्याय, यह वक्त जो होगा, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और निश्चित रूप से जिस उम्मीद के साथ लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है, मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनकी उम्मीदें नहीं टूटेंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय के हो, चाहे नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, बूढ़े बच्चे हो, किसान हो, मजदूर हो, या सभी आप पत्रकार मित्र भी क्यों ना, क्योंकि आपकी भी, आप भी एक हिस्सा है लोकतंत्र के। और मैं आज, चूंकि ये समय ऐसा आज दिन भर का बिता कि आज हमारे गठबंधन साथी अभी हमारे साथ नहीं है और बहुत लोग असेंबल भी हो रहे हैं,
और बहुत जल्द आगे की रूपरेखा के विषय में हम लोग गठबंधन दल मिलकर बैठकर तय करेंगे कि आगे की रणनीति, आगे की कार्रवाई कैसी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।